आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। और बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, के नाम से भी जाना जाता है। और पुअर मैन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, और गॉन्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? पुअर मैन डिसीज, गॉन्स डिसीज और बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबरकल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्यूबरकुलोसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो ट्यूबरकल और ओसिस। ट्यूबरकल का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, ओसिस का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, मतलब होता है कंडीशन। ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, क्योंकि इसने रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। इसको फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, इसलिए इसको फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या आता है? सबसे पहले स्मोकिंग, ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किसका? टीबी का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, ठीक है। इसके बाद आती है माल न्यूट्रिशन। इसकी वजह से क्या होते हैं? पुअर मैन एरिया में, जैसे स्लम्स एरिया जिसे बोलते हैं, स्लम्स एरिया गरीब वाले परिवार, उसमें क्या रहते हैं? माल नरिश बेबी हो जाते हैं, उसमें क्या होती है? पुअर मैन डिसीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुअर मैन डिसीज भी बोलते हैं। और बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। और कौन हो सकता है? इन्फेक्शन और पॉपुलेशन। जिस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उसमें भी टीबी होने के चांस रहते हैं। और क्या रहेगा? एडवांस एज। और क्या रहेगी? एडवांस एज रहेगी, इन्फेक्शन रहेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा, स्मोकिंग रहेगी। और क्या रहेगी? एच आई वी 90% लोग में, कम से कम 90% लोग एच आई वी से ग्रसित हैं, उनमें टीबी होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं 90% लोग में, ठीक है। 90% लोग एच आई वी से ग्रसित हैं, उनमें कम से कम टीबी होने के चांस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई एंटर इन एल्वियोलाई में एंटर हो गया। मोस्टली रिस्क ऑफ अपर लोग, इससे क्या होते हैं? मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या होगा? मोस्टली रिस्क ऑफ अपर लोब ऑफ एल्वियोलाई ऑफ एल्वियोलाई सबसे ज़्यादा चांस टीबी होने के इसमें रहते हैं, अपर लोब में या अपर एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद क्या हो गए?
क्या होगा? जैसे ही बॉडी में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर हुआ, कहाँ पर? एल्वोलाई में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करती हैं? भक्षण का कार्य करती हैं। वो क्या होगी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को क्या कर लेंगी? कलेक्ट, उसका क्या कर लेंगी? घेरा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है? गॉट अराउंड, क्या हो जाएगी? गॉट अराउंड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कर लेंगी? अराउंड। और उसके बाद क्या होगा? फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? फैगोसाइटिस जैसे भी होगा तो न्यूट्रोफिल्स और बैसोफिल्स क्या करेंगी? बैक्टीरिया को किल करेंगी। न्यूट्रोफिल्स और बैटोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स किल द कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को क्या करेंगी? किल करेंगी। उसके बाद किल करने के बाद क्या होगा? इलास्टिक एंजाइम, क्या होगा? एंड इलास्टिक एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा? इलास्टिक एंजाइम, इलास्टिक एंजाइम क्या करता है? रिलीज क्या करता है? इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक एंजाइम, इलास्टिक एंजाइम रिलीज ऑफ इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक प्रोटीन। उसके बाद क्या होगा? इलास्टिक प्रोटीन का एंजाइम का रिलीज होगा तो क्या होंगी? सो एल्वियोलाई डिस्ट्रैक्ट्स, सो एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रैक्ट्स, सो एल्वियोलाई डिस्ट्रैक्ट, सो एल्वियोलाई डिस्ट्रैक्ट्स, सो एल्वियोलाई डिस्ट्रैक्ट्स एंड बैक्टीरियल फॉर्म पास, एंड बैक्टीरिया फॉर्म पस, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? चीजी नेक्रोसिस, और चीजी नेक्रोसिस, और क्या होगा? कैसियस नेक्रोसिस, कैसियस, कैसियस एंड चीजी, चीजी नेक्रोसिस, चीजी नेक्रोसिस के बाद क्या होगा? क्या होगी? चीजी नेक्रोसिस के बाद स्किन सीन हो जाएगा, सीन इन टीबी, सीन इन एंड ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है? ये क्या हो गई? पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद क्या आता है? पैथोफिजियोलॉजी के बाद साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जिसे क्लिनिकल फीचर के नाम से भी जाना जाता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला कौन सा होता है? स्पुटम। सबसे पहला कौन सा होता है? स्पुटम, ठीक है? या प्रोडक्टिव कफिंग, क्या? प्रोडक्टिव, पहला प्रोडक्टिव कफिंग, प्रोडक्टिव कफिंग, प्रोडक्टिव कफिंग कब से? टू से टू ओ मोर, टू से थ्री वीक, प्रोडक्टिव कफिंग मोर टू से थ्री वीक, ठीक है? इसमें क्या करते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट का सैंपल लेते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट का सैंपल लेते हैं। प्रोडक्टिव कफिंग कैसा कलर, कैसे कलर का होता है कफिंग? येलो इस वाइट कलर का, या म्यूकोपुरुलेंट का, म्यूको प्रुलेंट, प्रुलेंट कफ रहेगा, म्यूकोपुरुलेंट कफ, या कैसा रहता है? वाइट या येलो वाइट कलर का, येलो वाइट, डब्ल्यू एच आई येलो है, वाइट, येलो वाइट कलर का म्यूकोपुरुलेंट या येलो वाइट कलर का क्या रहता है? स्पुटम रहता है, ठीक है? इसके बाद आता है सेकंड मोस्ट, सेकंड साइन सिम्टम्स क्या रहेगा? वेट लॉस, क्या रहता है? वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? एनोरेक्सिया, क्या होगा? एनोरेक्सिया। और क्या होगा? नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड क्या हो जाएगी? वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है? इसके बाद थर्ड है क्या होगा? नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग हो जाएगी, नाइट
थर्ड कौन सा होगा? नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग इसमें क्या होता है? सीन आल्सो हॉट प्लस सीन आल्सो हॉट प्लस हॉट प्लस किसका साइन सिम्टम्स होता है? साइनेंट्स क्लासिकल साइन सिम्टम्स। हॉट प्लस किसका होता है? मीनोपोज का क्लासिकल साइन सिम्टम्स होता है। क्लासिकल साइन सिम्टम्स ऑफ हॉट प्लस किसका होता है? मीनोपोज का। मीनोपोज मीनोपोज का क्लासिकल साइन सिम्टम्स होता है हॉट प्लस। हॉट प्लस के ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्लोनिडिन। हॉट प्लस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्लोनिडिन डिन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ क्लासिकल साइन सिम्टम्स। क्या होता है? लो ग्रेड फीवर। फोर्थ रहता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर क्या होता है? दोपहर के बाद फीवर आना। क्या होता है? मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में फीवर नहीं होता है। क्या होता है? दोपहर के बाद या आफ्टरनून बाद, मॉर्निंग या आफ्टरनून के बाद, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के बाद फीवर आता है। इसको क्या बोलते हैं? लो ग्रेड। ठीक है, आफ्टरनून फीवर। ठीक है, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। आफ्टरनून फीवर इसके बाद साइन सिम्टम्स क्या आते हैं? ट्रैकी कार्डिया। क्या होगा? ट्रैकी कार्डिया। और साइन सिम्टम्स क्या होगा? ट्रैकी कार्डिया हो जाएगा, फटीग होगा, एनोरेक्सिया होगा, फटीग होगा और एनोरेक्सिया और लॉस ऑफ वेट हो रहा है वेट। और क्या होगा? साइनोसिस क्या होता है? ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या हीमोप्टेसिस। क्या होता है? हीमोप्टेसिस क्या होता है? कफ के साथ साथ ब्लड आना, कफ इन ब्लड। ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि अगर कोई भी ब्रोंकियल आर्टरी या कैपिलरीज में कोई भी रप्चर हो जाएगा, कैपिलरी में अगर कोई भी रप्चर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? कफ इन ब्लड। ब्लड में क्या आ जाएगा? कफ। ठीक है, साइन सिम्टम्स आए समझ में? इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन। साइन सिम्टम्स डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन में कौन सा पहला? कल्चर। डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन पहला कौन सा रहता है? स्पुटम कल्चर। क्या होगा? स्पुटम कल्चर करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग सैंपल लेते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या करते हैं? क्या लेते हैं? सैंपल। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या लेते हैं? सैंपल। और किस ट्यूब में लेते हैं? फाल्कन ट्यूब। उस ट्यूब का नाम क्या है? फाल्कन ट्यूब में क्या आते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं फाल्कन ट्यूब में। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या लेते हैं? फाल्कन ट्यूब में सैंपल लिया जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है? कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, टीबी का क्या होता है? कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। स्पुटम कल्चर अर्ली इन द मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। और किस टाइम लिया जाता है? फाल्कन ट्यूब में। और उसके बाद सैंपल लेने के बाद इसको क्या भेज दिया जाता है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। पहले वो चलते थे रिवाइज, एक होता था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अकॉर्डिंग। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इसमें क्या करता था? पहले तीन सैंपल लिए जाते थे। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था। रिवाइज
रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसको 1993 में रिवाइज किया गया। तो उसके बाद में क्या बोला था, दो सैंपल क्या लेने, दो सैंपल की जांच करने के बाद क्या हो जाती थी, टीबी कंफर्म हो जाती थी, ठीक है। और टेस्ट करने के लिए किसका यूज किया था, जेड एन स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, जिसे परक्यूएट टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ट्यूबरकुलाइन टेस्ट क्या होता है, परक्यूएट टेस्ट या ट्यूबरकुलाइन, कौन सा होता है, परक्यूएट टेस्ट या ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, जिसे मेंटून टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मेंटून टेस्ट या परक्यूएट टेस्ट या कोई भी ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पीपीडी, एक वो आते हैं पीपीडी, इसमें पीपीडी क्या करते थे, 0.1 ml इंट्राडर्मली रूट से इंसर्ट करा देते थे, इंट्राडर्मली रूट से इंसर्ट किया जाता था, किसको, पीपीडी को इंसर्ट किया जाता 0.1 ml किससे, इंट्राडर्मली रूट से, किसमें, फोर आर्म में इंसर्ट किया जाता था, किसमें, फोर आर्म में क्या किया जाता था, इंसर्ट किया जाता था। और क्या करते थे, रिजल्ट चेक करते थे, इसको पीपीडी को ब्लू लाइन से क्या कर देते, अंडरलाइन किया कर देते, जैसे पीपीडी इंसर्ट की, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर दिया, अगर ये ब्लू लाइन अंडरलाइन किया तो क्या बोलते हैं, और अंडरलाइन करने के बाद 48 से 72 आवर के अंदर इसको चेक किया जाता था अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का टेस्ट का पता करने के लिए देखते हैं, अगर ये एफ, पहला एफ फेल मोर देन 10 mm या 10 mm, अगर ये 10 mm से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलते थे, पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। और अगर इफ व्हील 5 to 9 mm तो इसको क्या करते हैं, रिवाइज किया जाता था, टेस्ट को क्या किया जाता, रिवाइज किया जाता था, ये क्या होता था, कंफर्मेटिव नहीं होता था, सस्पेक्टेड होता था, किसको, सस्पेक्टेड टेस्ट होता था, इसको रिवाइज किया जाता था। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या करते थे, रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो स्पुटम कल्चर करेंगे या फिर एक्सरा करेंगे, अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, स्पुटम कल्चर या एक्सरा करते थे, ठीक है। इसके बाद आता था थर्ड, यह था इफ व्हील less than 5 mm इससे कम है तो पेशेंट क्या होता था, कोई भी टीबी नहीं है, यह क्या करता था, नेगेटिव को इंडिकेट करता था कोई भी पेशेंट को टीबी नहीं है। अगर पेशेंट का 10 mm और पेबेजी, अगर पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है और 10 और 5 mm से अधिक आ रहा है या कम आ रहा है तो 5 mm को भी क्या बोलते थे, ये टीबी का पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक टेस्ट होता है पीसीआर टेस्ट, कौन सा, पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट। और कौन सा टेस्ट करते थे इसके बाद, पीसीआर कर लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एक्सरा, ठीक है, एक्सरा करते थे, स्टैंडर्ड टीबी गोल्ड टेस्ट करते थे, स्टैंडर्ड टीबी गोल्ड टेस्ट, ठीक है। ये बहुत महंगा टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टीबी गोल्ड टेस्ट सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। पीसीआर टेस्ट के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और क्या करते थे, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटजेनिक वेव ने एक्सरे की खोज की थी, इसलिए इसको एक्सरे को रोंटजेनिक वेव के नाम से भी जाना जाता है, रोंटजेनिक ने इसकी खोज की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटजेनिक ने, इसलिए एक्सरे को रोंटजेनिक वेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट, आया डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्पुटम
कल्चर कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेंटो टेस्ट या परकुएट टेस्ट, उसके बाद पीसीआर टेस्ट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, स्टैंडर्ड गोल्ड, स्टैंडर्ड टीवी गोल्ड टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले वैक्सीनेशन मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगा देते हैं, बीसीजी की वैक्सीन। टीबी से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी की वैक्सीन। टीबी से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी की वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। और इसकी डोज रहती है 0.05 ml, बीसीजी की वैक्सीन लगाने की 0.05 ml। रूट क्या रहेगा, 0.05 ml, और रूट क्या रहता है, और माइक, और उसकी बीसीजी की खोज किसने बैक्टीरिया बुस्ट की थी, माइकोबैक्टीरियम बोबेस नामक एक ऑप्टेंट से की थी, माइकोबैक्टीरियम बोबेस एक स्ट्रेन था, उसकी वजह से इसको ऑप्टेन किया गया था। बीसीजी वैक्सीन को माइकोबैक्टीरियम बोबेस से क्या किया था, स्ट्रेन किया गया था, ठीक है। और इसकी बीसीजी की खोज किसने की थी, कालमेट ग्यूरिन, एक साइंटिस्ट था कालमेट ग्यूरिन, उसने क्या की थी, बीसीजी की वैक्सीन की खोज की थी। फर्स्ट वैक्सीन बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, बीसीजी की वैक्सीन। ये क्या करती है, टीबी से प्रिवेंट करती है। सबसे पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले पेशेंट को क्या लगाते हैं, टीबी की वैक्सीन लगाते हैं। कितनी डोज, 0.05 ml बच्चे को क्या लगाते हैं, डोज लगाते हैं। और रूट कौन सा रहेगा, रूट कौन सा रहता है, जल्दी बताओ, इंट्राडर्मली रहता है ना, इंट्राडर्मली। एंगल कितना रहता है, 15 डिग्री का एंगल रहता है, 15 डिग्री का एंगल। और बेस्ट का रहती है, बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं इसको एनएस में, किसमें, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। बीसीजी की वैक्सीन कैसी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। बीसीजी की वैक्सीन कैसी रहती है, पाउडर फॉर्म में होती है। इसको पाउडर फॉर्म में किसमें, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। 0 डिग्री के सेंटीग्रेड पर फ्रीज में रखते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखते थे। उसके बाद क्या करते थे, एनएस में नॉर्मल सलाइन में इसको डिजोल्व किया जाता है। किसमें, नॉर्मल सलाइन में इसको डिजोल्व किया जाता है। अगर डिजोल्व करने के बाद इस वैक्सीन को किसमें रखते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। बीसीजी वैक्सीन को पहले पाउडर फॉर्म होती थी, उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज में। और इसको बाद डिजोल्व करने के बाद नॉर्मल सलाइन में इसको डिजोल्व किया जाता है। स्टेरिल वाटर में कोई भी डिजोल्व नहीं किया जाता, क्योंकि इंजेक्शन साइट पर ये इरिटेट कर सकता है, इसलिए इसको किसमें, नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व किया जाता है। और डिजोल्व करने के बाद 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। किसमें, रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट को 0.5 ml एट बर्थ पर लगाते हैं, और ये एनएस नॉर्मल सलाइन में इसको किया जाता है। और बेस्ट क्या रहेगा, 4 आवर तक इसको लगा के ख़त्म करना है, 4 आवर तक। डिजोल्व करने के बाद कितनी देर तक रखते हैं इसको, 4 आवर के बाद, डिजोल्व करने के बाद 4 आवर के बाद ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और अगर वैक्सीन 0.5 ml एट बर्थ के जन्म के टाइम लगाते हैं, अगर एट बर्थ पर नहीं लग पाई है, किसी कारण बस एट बर्थ पर बीसीजी की वैक्सीन नहीं लग पाई है, तो कब लगाते हैं, 0.1 ml कब लगाते हैं, 1 मंथ पे या 4 वीक पे, 1 मंथ पे या 4 वीक पे बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट, जिसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। कौन सा मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। वैक्सीनेशन कौन से लगाते हैं, बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं। बीसीजी की वैक्सीन वैक्सीनेशन करते हैं। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रिवेंट करती है, ट्यूबरकुलोसिस से, एट बर्थ पे लगाई जाती है 0.05 ml। एट बर्थ पे कितनी, 0.05 ml एट बर्थ पे लगाई जाती है। अगर किसी कारण बस 0.05 ml नहीं लग पाई है, तो 0.1 ml 1 मंथ पे लगाई जाती है। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी दी जाती है, आइसोनियाजिड ड्रग दी जाती है। कौन सी, आइसोनियाजिड। फर्स्ट डिग्री में कौन सी, आइसोनियाजिड और आइसोनियाजिड
दूसरी ड्रग दी जाती है रिफाम्पिसिन, 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 और थर्ड होती है रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड, पैरिजिनामाइड, पैरिजिनामाइड और एथाम्बुटोल। फोर्थ कौन सी होती है? एथाम्बुटोल। फिफ्थ रहती है कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी रहती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और पहली कौन सी होती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और एथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट कैटेगरी में ड्रग आएंगी। और सेकेंड इसके बाद आती है सेकेंड फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी आती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और एथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी आती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, एथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसके बाद आती है सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी में, सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी में कौन सी आती है? कानामाइसिन, नाम है कानामाइसिन, ठीक है। और कौन सी आएगी? जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, दूसरी है कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, और कौन सी आती है? अमीकासिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन और अमीकासिन। थर्ड कौन सी होती है? अमीकासिन और जेंटामाइसिन। और कौन सी होती है? रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में कौन सी आती है? कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन और रिफाम्पिसिन। कौन कौन सी होती है? कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाम्पिसिन और ठीक है अमीकासिन। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। पहला कौन सा था? वैक्सीनेशन मैनेजमेंट। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगाती है? बीसीजी की वैक्सीन। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजी में फर्स्ट कैटेगरी से की जाती है और सेकंड कैटेगरी से। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला कौन सा करते हैं? एयरवे मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में कौन सा करते हैं? पहला एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। और क्या करते हैं? एयरवे मैनेजमेंट करते हैं पहला। और क्या करते हैं? यूटेंसिल्स को पेशेंट के क्या करते हैं? यूटेंसिल्स को यूज किया जाता है, पेशेंट के यूटेंसिल्स को यूज नहीं किया जाता है, पेशेंट के यूटेंसिल्स क्या होते हैं? खाना पीना, पेशेंट का खाना या कोई भी क्लॉथ, फूड पार्टिकल्स या कोई भी क्लॉथ को नहीं पहनते हैं और ना कोई भी टीवी के पेशेंट के साथ खाना खाते हैं, यूटेंसिल्स का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद थर्ड मैनेजमेंट क्या होता है? डाइटरी मैनेजमेंट। कौन सा होता है? प्रॉपर डाइट। और फोर्थ कौन सा रहता है? प्रॉपर डाइट रही फोर्थ है एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट आया, पहला क्या होता है? एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, दूसरा पेशेंट के यूटेंसिल्स को और पेशेंट की प्रॉपर डाइट और एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। पेशेंट का पहले एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर डाइट्रिशियन या कोई भी एयरवे ड्रॉपलेट, ठीक है।